हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर गेम प्ले। आज हम खेलने वाले हैं शेरलॉक द डेविल्स डॉटर। सो गाइज, आज हम नया गेम प्ले स्टार्ट करने वाले हैं। आज देखते हैं भाई, पहले इसकी स्टोरी देखते हैं। ये हमारा जो बंदा है, ये हम है भाई, ये जो भाग रहा है, ये छुप रहा है, ये पता नहीं कुछ ढूंढ रहा है भाई। इसके पीछे लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग पड़े हुए हैं भाई। तो देखते हैं आगे क्या सीन निकलता है, पहले स्टोरी को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गाइज, देखने में तो ऐसा लग रहा है भाई, इसने बहुत बड़ा कांड किया हुआ है और ये उन लोगों से भाग रहा है छुपकर। मतलब कुछ इसके पीछे बड़े लोग पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाले, और ये मतलब और ये छोटे मोटा। तो देखते हैं भाई आगे क्या सीन निकलता है, पहले स्टोरी में तो ऐसा ही लग रहा है देखने में कि ये छुप रहा है, किसी से भाग रहा है। देखो भाई, देखो किसी ने सीटी बजाई, कोई आ रहा है भाई, कोई ना कोई तो आ रहा है भाई, कोई ना कोई तो आ रहा है, पक्का आ रहा है। देखो देखो भाई, आ रहा है भाग भाई, अब भागेगा ये यार भाई। कौन आ रहा है भाई, इसको वो दिखाया भी नहीं जा रहा यार, ये को भाई इसकी गन दिखाई गई है भाई, बंदा नहीं दिखाया गया, वो कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई। लग गई भाई, वो मर गया क्या? 48 आवर लेयर भाई, मतलब 48 घंटे बाद भाई। और ये बंदा यहाँ पड़ा हुआ है अभी, इस बंदे को शायद ये उठा के लाया, गोली पड़ी या ना पड़ी ये नहीं पता मुझे, ये हमें पता नहीं पड़ी अभी। तो देखते हैं आगे कैसे निकलता है भाई। यहाँ पे एक लेडी आई हुई है। My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes. इसका नाम है भाई एलिस, मिस एलिस। तो भाई ये क्या करने आई है यहाँ पे, अभी देखते हैं, पता करते हैं। भाई अपना होम्स तो यहाँ पड़ा हुआ है भाई। हाँ, मैं आपको नाम बताना भूल गया, इस बंदे का नाम है होम्स। होम्स भाई अजीब सा नाम है, ऐसा ही होता है भाई गेम में तो, सबका नाम होम्स, किसी का एलिस, किसी का कुछ। एलिस नाम तो ठीक है भाई। तो भाई ये एक बंदे को, एक मतलब एक बच्चे को लाई है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इस बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, वो हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि भाई इसमें हम लोग डिटेक्टिव बने हैं, हम लोग काफ़ी खतरनाक डिटेक्टिव बने हैं, इसमें हर चीज़ का पता करने वाले हम। तो देखते हैं कि इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं और आगे पता करते हैं क्या सीन निकलता है। तो भाई लोग जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, मैं चाहता हूँ मेरे जल्दी जल्दी 2K सब्सक्राइबर हो जाएं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो भाई, देखते तो हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भाई पता नहीं ये बंदा इससे क्या वादे कर रहा है, इसे छोड़ो, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। उस बच्चे को भी प्रॉब्लम है, उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। I am still here, you know. I didn't fall out. तो मेरे ख्याल से शायद हमें उस बच्चे से उसकी थोड़ी बहुत डिटेल लेनी पड़ेगी, कि उसका क्या नाम है, कहाँ से है। नहीं, उसका नाम तो बता ही दिया, मिस्टर टॉम। भाई उस बच्चे का नाम था टॉम। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, बच्चे पे आते हैं अब। Now tell me, boy, what guys, हमने इसकी थोड़ी बहुत डिटेल ले ली है भाई। ये 8 साल का लड़का है और इसका नाम टॉम है, और ये मतलब ये एक केयरिंग पेरेंट्स है, मतलब अपने घर वालों की मदद करता है काफ़ी, और बहुत ज़्यादा उदास रहता है। इसके मतलब इसकी मॉम नहीं है भाई, इसके फादर हैं जो हैं मिसिंग भाई। इसके फादर मिसिंग हो चुके हैं, मतलब उनके इसके फादर को ढूंढना है भाई। वो बहुत बच्चा बेचारा बहुत उदास है भाई वो, तो हमें उसके फादर को ढूंढना है बस, और उसकी तकलीफ को दूर करना है। तो चलते हैं उसके फादर को ढूंढने, सबसे पहले चलते हैं उसके घर, सबसे पहले हम उसके घर चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे हमें क्या सबूत मतलब वो मिलता है, एविडेंस मिलेगा, सबूत मिलेगा, जो भी मिलेगा उसे उठाएंगे। और उसके गाइस, हम उसके ऑलमोस्ट उसके घर की साइड हम पहुँच चुके हैं, और उसने बताया था मिस के घर का कोई ई स्ट्रीक है, और उसमें 12th वाला नंबर है, 12th नंबर का कोई डोर होगा यहाँ पे, वो हमें जाना है उसके अंदर। ई नंबर का कोई डोर होगा, 12th नंबर के यहाँ पे फ्लोर्स हैं बहुत सारे, तो भाई यहाँ पे ABCD के नंबर के यहाँ पे और रूम्स होंगे, तो उनमें से हमें ई का रूम ढूंढना है, ई वाला कोई रूम है, ये रहा भाई, ये रहा ई नंबर, ये रहा। तो इसके अंदर है शायद उसका घर, यही घर है उसका। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या सीन निकलता है। तो यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है और बेचारा बहुत परेशान है भाई, इसका घर की हालत भाई काफ़ी ख़राब लग रही है, पुअर चाइल्ड है भाई बेचारा। तो भाई यहाँ पे एक बुक है जिससे हमें थोड़ी बहुत डिटेल मिल सकती है, पता नहीं। एक ये कैंडल उठा लेते हैं भाई, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए। तो भाई बेचारा बच्चा बहुत परेशान है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें।
तो भाई थोड़ा बहुत सामान मिल रहा है हमें यहाँ पे, कुछ ना कुछ कोई लेटर डली थी हमने वो उठा लिए हैं। अब चलते हैं भाई इन सीढ़ियों से ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है भाई। चलो भाई तो भाई लोग चलते हैं ऊपर, अब जल्दी देखते हैं क्या सीन निकलता है, कुछ मिलता है हमें एविडेंस। और देखते हैं भाई यहाँ पे हमने कैंडल जला लिया भाई, यहाँ पे एक बैग डला हुआ है, इस बैग के अंदर क्या है भाई। ओ भाई इसके पीछे कोई फाइल है, ये क्या है ये भाई यार, मतलब खोल रहा बड़ी भाई। एक लेटर है इसके अंदर, एक लेटर है इसके अंदर, क्या है भाई। हमने वो लेटर ले लिया, वो भाई उसमें बहुत बड़ा सबूत था भाई, उसमें थोड़ा बहुत हमें पता पड़ गया और कहाँ जाना है हमें और कैसे हो सकता है, कहाँ कहाँ पे वो बंदा हो सकता है जिसने उसे किडनैप किया है। हाँ भाई इसके पापा का किडनैप हुआ है, मतलब इसके जो फादर है उसका किडनैप हो चुका है। तो भाई देखते हैं आगे हमें वो भाई हमारा ये जो आप देख रहे हो ये बंदा है ना छोटा सा, ये भाई हमारा छोटा डिटेक्टिव है, ये बंदा हमारे लिए उसका पीछा करेगा जो जिसका हम उसे कहेंगे पीछा करने के लिए, और हमें सबूत ला के देगा ये बंदा। तो सबसे पहले हमें जाना है उस एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक बंदा बैठा हुआ है जिसको पता है कि इसके फादर कहाँ हैं। तो चलते हैं हम जल्दी से पहले उसके रेस्टोरेंट में और देखते हैं वहाँ क्या सीन निकलता है। चलते हैं हम जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट करे हुए। गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, तो गाइस हम ऑलमोस्ट के हम पहुँच चुके हैं भाई। अब इसके अंदर ही वो बंदा बैठा होगा, देखते हैं उसे भाई ये इस बंदे में शक हो रहा है, तो मैं यहाँ बैठ के इसको थोड़ा भाई मतलब कितना कर रहा है डिटेक्टिव है, देख उधर रहा है सारे एविडेंस से निकाल लेगा इसमें, देखना भाई हमें सर्च करना है इसके पास क्या क्या है। तो भाई इसके पास अरे यार बीएड तो सबके पास होती है भाई, कुछ और देखो यार, कुछ और मिल जाए हमें, कुछ और भाई कुछ तो दिख नहीं रहा। नीचे चलते हैं भाई, इधर कुछ नहीं है। तो भाई ये पी रहा है वाटर, ये पानी है भाई, पानी लग रहा है मुझे तो, नहीं भाई नहीं पानी है, वाटर है गाइज गाइज। हाँ ये बंदा वही है, पर देखते हैं आगे क्या सीन निकलता है, मुझे भाई इस पर बहुत बड़ा शक हुआ है। तो भाई हमें टाइम होल्ड करना है, देखते हैं इसके जाने का इंतजार करना है। अब हम टाइम को होल्ड करते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं कितनी देर तक यहाँ पे ये बैठता है और क्या करता है। 30 मिनट्स लेटर भाई, 30 मिनट लेटर मतलब 30 मिनट होने के बाद अब ये बंदा उठ रहा है और ये क्या कर रहा है भाई। ये मिसिंग फाइल भाई, मुझे लग रहा है इसके फादर की मिसिंग फाइल है भाई, उसके फादर की नहीं, बहुत सारे बंदे किडनैप हुए हैं तो उनमें से सबकी मिसिंग फाइल है ये। लो यार गाइस यही इसके मतलब बहुत बड़ा सबूत दे दिया हमें कि इसने अगर ये जो पेपर था इसने फेंक दिया तो शक तो होना ही बनता है। चलते हैं हम इसके पीछे और देखते हैं क्या सीन निकलता है। अब इसका पीछा करना है गाइस हमें, और इसका पीछा हम नहीं करेंगे, इसका पीछा हमें करेगा कौन, ये गाइस आपको पता मैंने दिखाया था ये हमारा छोटा डिटेक्टिव है, तो इसका पीछा करने के लिए भेजेंगे हम इसको। जा बेटे जा, तेरे को पगार मिलेगी बहुत बढ़िया, तो जा आज से तेरी ड्यूटी पक्की। चलो गाइस अब चलते हैं हम उसका पीछा करने, चल भाई भाग, चल भाई वो निकल जाएगा वरना जल्दी भाग, वो निकल गया ना गाइस तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलते हम जल्दी जल्दी भाई, उसे शक ना हो बस हम पे। गाइस ये जा रहा वो बंदा, तो चलते हम जल्दी जल्दी इसके पास और इसका भाई, इसे शक हो रहा है भाई, छुप जा बस भाई यार, ये इसे शक हुआ ना तो ये हमें पकड़ लेगा, बस ये नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए इसको। तो चलते हम जल्दी जल्दी, फिर से भाग रहा है वो, अबे 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 वो छुप जाए, वो निकल जाएगा मेरा गाइस। देखो इस फिर से मुड़ के देख रहा है भाई यार, इसे बड़ा शक हो रहा है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है हमें। चलते हैं हम इसके फिर से भाई, अब मत मुड़ना भाई, इसको एक छोटी सी ट्रॉफी दे देंगे हम, इसको छोटी सी एक ट्रॉफी दे देंगे। और अरे यार ये कितना मुड़ेगा यार, हमें कितना छुपना पड़ेगा। चलो भाई फिर चलते हैं आगे यार, ये तो हमें बार बार छुपने पर मजबूर कर देता है भाई, छोटा है ना बच्चा है, शक हो सकता है क्योंकि ओ भाई हाँ निकला नहीं है, मुझे लगा निकल गया, नहीं भाई नहीं, इसको छोड़ना नहीं है और शक ना हो बस।
चलो भाई अभी अबे शकोरा 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 है, देख रहा है वो, देख रहा है पीछे। चलो भाई जल्दी यार जाना है यार तू। तो भाई चल गया वो, चल गया। चलो अब चलते हैं इसके पीछे, फिर से पीछे इसके लग जाते हैं। हमें अपनी पूरी ड्यूटी करनी है भाई, इसको नहीं छोड़ सकते अपन लोग। इसको छोड़ दिया तो भाई उसका काम, बेचारे बच्चे का पापा नहीं मिल पाएगा, बेचारा अकेला रहता, उसकी मदर भी नहीं है यार, फादर ही फादर है। तो भाई यहाँ पे कुछ पुलिस वाले आ चुके हैं, अब ये पता नहीं क्या है, ये पुलिस वाले हैं क्या है। तो भाई हमें इस रास्ते से नहीं, अब दूसरे रास्ते से जाना होगा। चल भाई भाग भाग जल्दी भाग भाग भाई, इस टाइम में हमें सब ढूंढना होगा यार, वरना वो खो जाएगा, लॉस्ट हो गया ना हमसे तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी चल यार जल्दी भाई, मिलना चाहिए बंदा। आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये रहा ये रहा ये रहा, मिल गया मिल गया, डेथ मिल गया फाइनली। मतलब ये खो जाता ना तो दिक्कत हो जाती हमें, बस ऐसे हमें लॉस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, अरे यार फिर से शकोरा यार, इसे यार ये बंदा कुछ हद ही पार कर देता है। जाना यार तू, चलो भाई चलते हैं फिर से इसके पीछे लगते हैं। और यहाँ देखते हैं हमें यहाँ क्या सीन मिलता है। जल्दी चल यार, जा कहाँ रहा है इतना लंबा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहा भाई। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई कुछ बच्चे हैं जिनकी इससे बनती नहीं है भाई, ये बच्चे मतलब इस बच्चे को पकड़ लेंगे ये बच्चे, तो हमें हम दूसरे रास्ते से जाना हुआ। तो यहाँ पे कुछ डांट लग रही है इस बच्चे की, तो हम इस चिम्मी से जाना होगा यार, इस चिम्मी में निकल के ऊपर निकलेंगे और फिर वहां से जाएंगे। तो चलते हैं हम जल्दी से अंदर। ओ भाई टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी भाई जल्दी भाई, चलते हैं हम जल्दी जल्दी अंदर और देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई। भाई गाइस लो हम चिम्मी में भी अभी, तो मुझे लगा डायरेक्ट ऊपर निकाल देंगे, तो हमने चिम्मी पार कर ली ऑलमोस्ट। तो भाई बंदा अब नीचे जा रहा है और चलना है हमें जल्दी जल्दी, अब हम ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए कैसे भी आए, बस जो हमारा रास्ता है वो हमारे हिसाब से बनता रहे। तो भाई इसको हमें गिराना है क्योंकि वो जा रहा है दूसरी साइड, हमें जल्दी जल्दी उसे पकड़ना है भाई। ओ भाई देख के सो है, जल्दी जल्दी करते हैं उसका पीछा। और यार हम दूसरे रास्ते आ चुके हैं, तो हमें पीछे वाले रास्ते से जाना होगा। भाई किधर फंस रहा है भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। ओ भाई यहाँ पे बैलेंस करना होगा गाइस, यहाँ पर हमें कीबोर्ड और माउस दोनों को बैलेंस करना होगा, इन दोनों को सर्कल के अंदर डालना होगा, तब जाके ये बंदा आगे आगे चलेगा। भाई भाई निकलना चाहिए, ये बंदा गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। अबे कहाँ जा रहा है ये माउस भाई, कीबोर्ड, अबे यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई यार। आराम से बस बस बस, थोड़ा और थोड़ा और, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम लोग, ऑलमोस्ट हो गया बस। अरे 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 गिरा होता यार, बच गया बच गया। सो गाइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं भाई, गाइस हम वहाँ से निकल चुके हैं, अब चलते हैं आगे भाई। तो ये जा रहा अपना बंदा, ये अपना अब मिसिंग नहीं हुआ है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी भाई। कितनी दूर और लेके जाएंगे यार ये लोग, भाई मिसिंग होने वाला है, बोरा बोरा बोरा। तो भाई चलते हैं हम जल्दी जल्दी इसके पीछे। तो सो गाइस हमें इससे नीचे उतरना होगा, इस क्रेन से, पता नहीं क्या था ये, तो क्रेन वाली रोप थी इतना मुझे पता था भाई। तो ये बंदा आगे निकल चुका है भाई, जल्दी चल यहाँ से, यहाँ से निकलो भाई यहाँ से जल्दी जल्दी भाई, वो बंदा आगे निकल चुका है, मिसिंग नहीं होना चाहिए बस। हीरा भाई ओ भाई देख लिया हो तो यार। सो गाइस वो बंदा आगे निकल चुका है और देखते हैं हम कहाँ जाते हैं अब। सो गाइस यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है और वो बंदा किसी रथ में बैठ के जा रहा है भाई। तो भाई देखते हैं ये बंदा कहाँ जाता है, क्योंकि हमें इसका पीछा फिर भी करना है, और बस इसको इसके रथ को पकड़ लें, इसके रथ में बैठ जाए एक बार, पकड़ ले भाई। ओ भाई भाई बच्चे की जंप देगी यार, मतलब कुछ भी कहो, मौज मार दी बच्चे ने। तो वैसे ये बंदा कहीं और जा चुका है भाई, ये कहीं जा रहा है, ये अपना घर है इसका शायद, ऐसे अपने घर चला गया। सो गाइस अभी हम उसके उसके मतलब जो शहर था वहाँ पर आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। तब तक के लिए गुड लक।